अपनी जागरूकता को सकारात्मक दिशा में मोड़े, उस विश्वास की ओर कि जो कुछ भी आपके पास है वो काफी है, और इसी विश्वास से अपने आप को कृतज्ञता में नृत्य करने दें। ऐसा हुआ। महान भारतीय मनीषी नारद भगवान के पास जा रहे, अपनी वीणा बजाते हुए वे एक जंगल में गए और एक बहुत बड़े ऋषि को एक पेड़ के नीचे बैठे देखा। वृद्ध ऋषि ने कहा, कृपा भगवान से मेरी ओर से एक प्रश्न पूछे। मैं 3 जन्मों से सभी प्रकार के प्रयास कर रहा हूँ, अब और कितना समय लगेगा, मेरी मुक्ति कब हो? नारद हंसे और बोले, ठीक है। जैसे ही वह आगे बढ़े, उन्होंने दूसरे पेड़ के नीचे एक युवक को एक तारा लेकर नाचते गाते पाया। मजाक में नारद ने उससे पूछा, क्या तुम भी भगवान से कोई सवाल पूछना चाहते हो? युवक ने कोई जवाब नहीं दिया, वह अपना नृत्य जारी रखा जैसे उसने कुछ सुना ही ना। कुछ दिनों बाद नारद वापस आए। उन्होंने बूढ़े आदमी से कहा, मैंने भगवान से पूछा, उन्होंने कहा कि 3 और जन्म लगे। वो बूढ़ा ऋषि गुस्से में आ गया, उसने अपनी माला अपने शास्त्र फेंक दिए। उसने कहा, ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण है, 3 और जन्म। इसके बाद नारद जो है उस युवक के पास गए, वह फिर से नाच रहा था और उसने कहा, तुमने कुछ पूछा नहीं था लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे बारे में भगवान से पूछा, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि तुम्हें बताऊं या नहीं। बूढ़े आदमी के गुस्से को देखकर नारद झिझक गए। युवक ने कुछ नहीं कहा, वह नाचता रहा। नारद ने उससे कहा, जब मैंने भगवान से पूछा तो उन्होंने कहा, युवक को बताओ उसे उतनी ही बार जन्म लेना होगा जितने पत्ते उस पेड़ पर है जिसके नीचे वह नाच रहा है। और युवक और भी जोश में नाचने लगा। उससे कहा, इतनी जल्दी? दुनिया में इतने पेड़ हैं और इतने पत्ते, केवल इतना ही? और अगली बार जब तुम भगवान के पास जाओ तो उनका मेरी तरफ से धन्यवाद करना। और कैसा कहा जाता है कि वो युवक जो है उसी क्षण जो है बुद्धत्व को प्राप्त हो गया। तो समय की आवश्यकता नहीं होती है, यदि विश्वास नहीं है तो 3 जन्म भी पर्याप्त नहीं है। और मेरी भावना है कि बूढ़ा आदमी आज भी कहीं आसपास है। ऐसा मन मुक्त नहीं हो सकता, ऐसा मन ही नरक है। शेयरिंग स्टोरीज, लाइटनिंग माइंड्स, अंटिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।